राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले अध्यक्ष के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों की मेंबरशिप और वोटिंग हो चुकी है। अभी वोटों की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद फर्जी वोटों को अलग कर दिया जाएगा और फिर चुना जाएगा यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष और राजस्थान में यूथ कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी। यूथ कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का फैसला वोटों के साथ साथ इंटरव्यू के आधार पर होगा। जो कांग्रेस लीडरशिप लेगी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही 8 नए उपाध्यक्ष भी मिलेंगे। वही 45 नए प्रदेश महासचिव भी यूथ कांग्रेस को मिलेंगे। राजस्थान के तमाम जिलों में नए जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम भी इस चुनाव के बाद मिल जाएगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने यूथ कांग्रेस के कई मेंबर्स, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और कई पदाधिकारियों से बात की। सामने आया कि चुनाव लड़ रहे 15 में से 4 चेहरों अभिमन्यु पूनिया, सुधीर डूमोंड, यशवीर सूरा और सतवीर चौधरी का दावा सबसे मजबूत है। खास बात यह है कि इन 4 में से 3 दावेदार जाट है, जबकि एक दावेदार विश्नोई है। अगर कोई जाट चेहरा ये चुनाव जीतता है तो फिर राजस्थान में कांग्रेस के तीनों संगठनों के प्रमुख जाट हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और NSUI अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी जाट समुदाय से ही आते हैं। अभिमन्यु पूनिया राजस्थान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। विश्नोई समाज से है और पायलट खेमे से आते हैं। पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर के बेहद करीबी है। वे राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI महासचिव भी रह चुके हैं। चुनाव के दौरान मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने पूनिया को काफी सपोर्ट किया। इसके अलावा विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा भी पूनिया के समर्थन में दिखे। NSUI का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष होना बड़ा प्लस पॉइंट है। पूनिया की NSUI में मजबूत पकड़ थी। जून 2020 में हुए मानेसर एपिसोड के बाद पूनिया को NSUI प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पूनिया के पास युवाओं की अच्छी टीम थी। इसके अलावा युवा नेताओं का सपोर्ट भी पूनिया का मजबूत पक्ष रहा। यूथ के फेस के रूप में भी पूनिया मजबूत दावेदार है। पूनिया का दावा है कि उनके पक्ष में लगभग 6.30 लाख मेंबर्स ने वोटिंग की है। कहा, युवाओं ने राजस्थान में कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है, भारी संख्या में मतदान किया है। मुझे भरोसा है संगठन का व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो 2023 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। सुदृढ़ मूड इस चुनाव में एकदम नए चेहरे के रूप में उभरे। चुनाव शुरू होने से पहले मूड के नाम पर खास चर्चा नहीं थी, मगर चुनाव में सुदृढ़ मूड काफी सक्रिय नजर आए। उनके साथ कांग्रेस की अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख लॉबी जुटी। मूड को हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी, चेतन डूडी, रोहित बोरा जैसे नेताओं ने सपोर्ट किया। इसके अलावा हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी मूड को सपोर्ट रहा। मूड ने चुनाव के दौरान अच्छा मूवमेंट किया। सतवीर चौधरी यूथ कांग्रेस के चुनाव की शुरुआत से ही अभिमन्यु पूनिया के सामने मजबूत दावेदारों में गिने जा रहे थे। सतवीर चौधरी राजस्थान में स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष है। वे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। चौधरी को धर्मेंद्र राठौड़ का समर्थन रहा। पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना की एक टीम का सपोर्ट भी सतवीर को मिला। भीलवाड़ा में रामलाल जाट का समर्थन भी सतवीर को मिला। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।